हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही लोग मुझे पूछ रहा था कि तुम्हें लॉ पढ़ के कैसा लग रहा है और लॉ के बारे में जानकारी बताने के लिए मुझे बोल रहा था। तो मैं इसी के बारे में बात करने के लिए, आप लोग को बताने के लिए आज मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आप लोगों को कि लॉ कोर्स क्या होता है, कि क्या क्या टाइप्स है और असम में कौन सा लॉ कॉलेजेस है जहाँ अच्छा है और फीस कितना कितना लेता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो ये सब के बारे में अभी हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलो तो गाइस, आप लोगों ने 5 ईयर्स और 3 ईयर्स लॉ कोर्स के बारे में सुना ही होगा, और अगर सुना भी नहीं तो कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 ईयर्स लॉ कोर्स उन लोगों के लिए है जो हायर सेकेंडरी पास करने के बाद ही लॉ पढ़ना चाहते हैं, और 3 ईयर्स लॉ कोर्स उन लोगों के लिए है जो पहले ग्रेजुएट किया हो, चाहे बीए, चाहे बीबीए, बीकॉम, उनमें से मतलब पहले ग्रेजुएट किया हो और लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 3 ईयर्स लॉ कोर्स आता है। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ 5 ईयर्स लॉ कोर्स के बारे में, क्योंकि मैं इस वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी अभी हायर सेकेंडरी पास किया है और कौन सा कोर्स में एडमिशन लेगा इसमें कन्फ्यूज हो रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। 5 ईयर्स लॉ कोर्स में हमको स्पेशली 3 ऑप्शन मिलता है। एक हो गया BA LLB, दूसरा BCOM LLB, तीसरा BBA LLB। तो ये आप लोगों का मर्जी है, कौन सा कोर्स अच्छा लगे वो चूज़ करना है आप लोगों को। तो किसी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि लॉ कोर्स बहुत ही हार्ड है क्या, तो मेरा जो 1 साल एक्सपीरियंस रहा है लॉ पढ़ने का, तो इसमें मुझे लगा है इजी है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो किसी भी कोर्स पर तो मेहनत तो करना ही पड़ता है, बिना मेहनत तो होता ही नहीं है कुछ। किसी भी तुम जहाँ भी कोर्स पर जाओ तुमको मेहनत तो करना ही पड़ता है, तो यही है। और अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा लॉ पढ़ने का कुछ फ़ायदे। तो पहले नंबर पर आता है नॉलेज। जी हाँ, ज्ञान। लॉ पढ़ने से हम बहुत ही नॉलेज पा सकते हैं, जैसा कि एक स्टेट कैसा चलता है, एक कंट्री कैसा चलता है, हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और साथ ही साथ हमारा राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है। लॉ पढ़ने से हमको ये भी जानकारी मिलता है कि हम हमारा सोसाइटी को, हमारा स्टेट को डेवलप करने में क्या क्या एक्शन का ज़रूरी होता है, हमें ये सब का जानकारी मिलता है। और दूसरे नंबर पर आता है, तुम लॉ पढ़ने के बाद कभी भी बेकार नहीं होगा, तुम ज़िंदगी में मतलब कुछ तो कुछ कर ही सकेगा लॉ पढ़ने के बाद। और तीसरे फायदे पर आता है मल्टीपल करियर ऑप्शन। जी हाँ, तुम लॉ पढ़ने के बाद तुम्हारे पास बहुत ही करियर ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि तुम स्टेट वाइज जुडिशियल एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा बन सकते हैं, तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कोर्ट पर। और ये लॉ पढ़ने के बाद हमें APSC, UPSC ऐसा सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने में हमें बहुत ही हेल्प होता है लॉ पढ़ने के बाद, और साथ ही साथ एडवोकेट तो लॉ पढ़ने के बाद बन ही जाता है। तो नेक्स्ट फायदे में आते हैं रेस्पेक्ट। जी हाँ, तुम जब लॉ पढ़ रहे होते हैं और वकील बन जाते हैं, तब तुमको सोसाइटी में बहुत ही रेस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि लॉ पढ़ने के बाद तुम्हारे पास ना बहुत ही नॉलेज होता है, और इसलिए जो सोसाइटी तुमको रेस्पेक्ट करने लगता है। और किसी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि ये 5 ईयर्स का जो लॉ कोर्स होता है इसमें कितने सेमेस्टर्स होता है, तो इसमें बेसिकली 1 साल में 2 सेमेस्टर ऐसा 5 साल होता है ना, तो टोटल 10 सेमेस्टर होता है। 10 सेमेस्टर पास होने के बाद तुम ग्रेजुएट हो जाएगा। और बहुत ही लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि मैंने हायर सेकेंडरी पर साइंस स्ट्रीम ले लिया और फिर मुझे अभी लॉ पढ़ना है, तो क्या मैं अभी लॉ पढ़ सकेगा? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप ज़रूर लॉ पढ़ सकेंगे, क्योंकि लॉ पढ़ने के लिए कोई ऐसा पार्टिकुलर स्ट्रीम नहीं मांगता है, सिर्फ तुमको कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुमको इंट्रेंस देना पड़ता है, और कई तुमको हायर सेकेंडरी का जो मार्क्स होता है इसके बेसिस ही तुमको एडमिशन मिल जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा असम के कुछ लॉ कॉलेजेस। वैसे तो असम में लॉ कॉलेजेस बहुत है, इनमें से कुछ कॉलेजेस 3 ईयर्स वाला लॉ कोर्स ऑफर करते हैं और कुछ 5 ईयर्स वाला लॉ कोर्स ऑफर करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कॉलेजेस का नाम जो 5 ईयर्स का लॉ कोर्स ऑफर करते हैं। गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस का लिस्ट में आता है दिसपुर लॉ कॉलेज गुवाहाटी का, JB लॉ कॉलेज ये भी गुवाहाटी का, बरपेटा लॉ कॉलेज, जोरहाट लॉ कॉलेज, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कोकराझार लॉ कॉलेज। सो ये सब
गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस है जो बी एल एल बी डिग्री ऑफर करते हैं, और भी है जो मुझे अभी इतना याद नहीं है। सो आप लोग अगर पूरा जानकारी चाहिए तो गूगल में सर्च कर सकते हैं कि लॉ कॉलेजेस इन आसाम ऐसा। और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के लिस्ट पर आता है NEF लॉ कॉलेज गुवाहाटी का, और SIPE लॉ कॉलेज डिब्रूगढ़, और नेरिम लॉ कॉलेज गुवाहाटी, तेजपुर लॉ कॉलेज, ये सब प्राइवेट लॉ कॉलेजेस है जो BLLB लॉ कोर्स ऑफर करते हैं। और अगर आपको एक शानदार कॉलेज पर पढ़ना है तो असम में एक नेशनल यूनिवर्सिटी है NLU जो गुवाहाटी में मौजूद है, और इसके लिए तुमको क्लैट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्लैट एग्ज़ाम जो एंट्रेंस है, ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी है ये हर स्टेट में है, लेकिन आपको वहाँ एडमिशन लेने के लिए पहले क्लैट एग्ज़ाम देना पड़ेंगे, CLAT क्लैट एग्ज़ाम देना पड़ेंगे आपको। अगर आप लोगों को कॉलेज का पूरा जानकारी और फीस का पूरा जानकारी, ये सब जानने के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बुरा है, ये सब जानने के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं और पूरा देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में इतना डिटेल्स से आप लोग को नहीं बताया, क्योंकि अगर पूरा ऐसा एक एक डिटेल्स से पूरा बताने से वीडियो बहुत ज़रा ही लंबा हो जाएगा। मुझे और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आप लोगों तक सिर्फ बेसिक नॉलेज तो पहुँचाना सिर्फ। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरा जो एक साल का एक्सपीरियंस रहा है लॉ पढ़ने का, ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता दूंगा। फर्स्ट मैं जब यहाँ डिब्रूगढ़ पर आया था तब मुझे बहुत ही पछतावा हुआ था, क्योंकि यहाँ मुझे कोई अच्छा रहने के लिए एकोमोडेशन या तो रेंट PG ऐसा मिल नहीं रहा था मुझे, और इसलिए मुझे बहुत पछतावा हुआ था। यहाँ ना डिब्रूगढ़ पर रेंट का फीस और PG फीस तो कुछ ज़रा ही है। अभी मैं सोचता हूँ कि चलो फीस तो पैसा तो थोड़ा जाएगा लेकिन कोर्स तो ठीक है, अच्छा लगा। तो अभी मैं यहाँ आके लॉ पढ़ के बहुत ही नया चीज़ें सीख रहा हूँ, बहुत ही नॉलेज मिल रहा है मुझे दिन में दिन बहुत ही नॉलेज मिल रहा है, तो मुझे अभी अच्छा लगता है। और एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी और एक स्टेट को, कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है, क्या क्या एक्शन लेना पड़ता है, ये सब के बारे में मुझे अभी आइडिया मिल रहा है मतलब। और मुझे लगता है और भी बहुत ज़रा नॉलेज मिलेगा मुझे। और कभी कभी हम कोर्ट में विजिट करते हैं, काम करने बुलाते हैं हमको, और उन एडवोकेट, कोर्ट का एडवोकेट, जज, उन लोगों से मिलके हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करता है। आइडिया हम उन लोगों से मिलते हैं कुछ। और अगर मेहनत की बात करें तो मेहनत तो हम थोड़ा करना ही पड़ता है हमको, क्योंकि अगर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स पर तुम अगर मेहनत नहीं करता है ना तो तुम्हारा ये कोर्स बेकार हो जाता है, तो इसलिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। और अगर इन्जॉयमेंट का बात करें तो हम पढ़ाई के साथ साथ इन्जॉय भी बहुत करते हैं। तो यह सभी था मेरा जो एक साल का एक्सपीरियंस रहा, और मुझे लगता है मैं ग्रेजुएट होने तक बहुत ही सारा नॉलेज एक्वायर कर सकूंगा, बहुत ही सारा नॉलेज मैं पा सकूंगा। और सोसाइटी, स्टेट और कंट्री को डेवलप करने के लिए थोड़ा तो काम कर सकेगा ऐसा लगता है मुझे। तो यही था वीडियो, यही खत्म होता है। और अगर आप लोगों को ये लॉ कोर्स के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो गूगल पर सर्च करना, और मुझे भी पूछ सकते हैं, मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट पर लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बता देंगे। थैंक यू, बाय बाय। और एक तो भूल गया था, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और अगर आप लोगों को ब्लॉग वीडियो देखना पसंद करते हो तो कमेंट पर बोल देना, मैं ब्लॉग वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।